सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ हामिद का। इस कहानी से हमें ये संकेत मिलता है कि हिंदू मुस्लिम कोई भी दंगे नहीं चाहते, वह सब अमन और शांति से रहना चाहते हैं। दोनों के दिलों में एकता की भावना विद्यमान। लेखक हामिद खान के जरिए अपनी बात रखते हैं। यह दो अलग अलग लोगों को अलग अलग धर्मों के बीच आत्मीयता से बांधते हैं। यह कहानी अंतर दिल को छू लेने वाली है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें लड़ाई से नहीं प्रेम से काम करना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। लेखक को एक दिन समाचार पत्र में तक्षशिला में आगजनी की खबर का पता चला। उन्होंने उसके बारे में पढ़ा, जिससे लेखक को हामिद खान नाम के व्यक्ति की याद आ जाती है, जो तक्षशिला भ्रमण के दौरान लेखक को मिला। लेखक उसके लिए ईश्वर से हिफाजत की दुआ मांगते हैं। 2 साल पहले लेखक तक्षशिला के पुराने खंडहर गए थे। कड़ी धूप और भूख प्यास के कारण उनका बुरा हाल हो गया था। फिर रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील दूर बसे गांव की ओर चल पड़े। उन्हें वहां तंग बाजार, धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह दिखी। होटल का कहीं भी नामो निशान नहीं था। कहीं कहीं सड़े हुए चमड़े की बदबू आ रही थी। अचानक लेखक को एक दुकान दिखी, जहां चपातियां सेकी जा रही थी। लेखक ने मुस्कुराहट के साथ उस दुकान में प्रवेश किया। वहां एक अधेड़ उम्र का पठान चपातियां बना रहा था। लेखक ने पूछा, वह कहां के रहने वाले हैं? लेखक ने उसे बताया कि वह हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर पर मद्रास के आगे मालबार क्षेत्र का रहने वाला है। दुकानदार ने पूछा कि क्या वो हिंदू है? लेखक ने बोला, हाँ वो हिंदू है। इस पर लेखक ने हामिद को बताया, उनके यहाँ अगर किसी को बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो बिना लोग बिना कुछ सोचे मुसलमानी होटलों में जाया करते हैं। हामिद खान की को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। लेखक ने उसे बताया, उनके यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई भी फर्क नहीं है और उनके बीच लड़ाई ना के बराबर होती है। हामिद ने लेखक का स्वागत करते हुए खाना खिलाया। लेखक ने खाना खाकर हामिद को पैसे दिए, परंतु उसने लेने से इनकार कर दिया। बहुत करने पर हामिद ने पैसे लिए और वापस देते हुए कहा, मैंने पैसे ले लिए, मगर मैं चाहता हूँ आप इस पैसे से हिंदुस्तान जाकर किसी मुसलमानी होटल में पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद को याद करें। लेखक वहां से तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चले गया। उसके बाद लेखक ने हामिद को कभी नहीं देखा। लेखक आज समाचार पत्रकार हामिद और उसकी दुकान को सांप्रदायिक दंगों से बच जाने की प्रार्थना कर रहे थे। धन्यवाद।